Subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I am online. Hey guys, दही के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। दही के बारे में आपने जरूर सुना होगा और बहुत सारे लोग तो इसे कंज्यूम भी रोज करते हैं। आप भी इसे बहुत सारी डिशेज में और अलग अलग तरीकों से यूज जरूर करते होंगे, लेकिन आपको पता है कि दही खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? दही के एक्चुअल साइड इफेक्ट्स होते भी हैं कि नहीं, कि बस किसी ने कहा दही खाओ और दही खाए जा रहे हैं? दही के कुछ नुकसान हैं या आप जानते हैं क्या? तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ कि दही किस तरीके से खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं दही के। सो गाइज, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 82nd एपिसोड ऑफ ट्यूजडे टॉक। कर्ड और दही एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसे गर्म दूध को दही के साथ मिलाकर जमाया जाता है। उसे हमें उस चीज की जमाने से हमें दही प्राप्त होती है। दही को लेमन या विनेगर के साथ भी जमाया जा सकता है। दही को काफी प्रकार के डिशेज में बनाने के लिए यूज करा जाता है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से यूज करते हैं। कुछ लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग अपनी त्वचा पर लगाते हैं और या कुछ लोग उसको खाते हैं डायरेक्टली। सो अलग अलग तरीके से आप सब उसको यूज करते हैं। दही के द्वारा हमें डेयरी प्रोडक्ट्स के सभी फायदे मिलते हैं बिना फैट्स या कैलोरीज को बढ़ाए। दही में एक सर्विंग में सबसे ज्यादा कैल्शियम या प्रोटीन की मात्रा होती है। दही को कैल्शियम रिच फूड भी माना जाता है और उसकी वजह से वो हमारे बोन्स और दांत को बहुत ताकत भी मिलती है, बहुत बेनिफिट भी होता है और ये हमारा वजन कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। दही के बहुत सारे हेल्थ और न्यूट्रिशन फायदे भी होते हैं। इसको खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और पेट की काफ़ी सारी समस्याएं और जैसे कि इंडाइजेशन हो गई, गैस प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लोटिंग गैस हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक भी करी जा सकती हैं दही खाने से। कर्ड से हमें कैल्शियम और प्रोटीन्स के साथ साथ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक ये भी मिलता है। इसमें विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, B12 और के की भी प्राप्ति होती है। तो दही इतना जरूरी है। दही के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। दही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, सो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है तो आपको लेना चाहिए। इसमें कैल्शियम बहुत है जिससे बोन्स और दांत आपके बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये वजन कम करने के लिए भी बहुत मददगार होती है, तो वो भी एक फायदा है। इसमें कुछ प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे आपका हार्ट बहुत अच्छा रहता है, तो उस चीज़ के लिए दही बहुत अच्छा है। ये सुंदरता के लिए भी कुछ लोग उपयोग करते हैं इस चीज़ का, सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो भी एक फ़ायदा है। दही से डैंड्रफ भी हटता है, तो अगर आपको डैंड्रफ प्रॉब्लम हो तो भी आप दही यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके न्यूट्रिशनल जो फैक्ट्स होते हैं, वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के कारण ये दूध की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। एक सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है ये कि आप दूध की जगह दही इस्तेमाल कर लें। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, सो दही उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत फायदेमंद है, लॉन्ग इंटेस्टाइन के लिए, शॉर्ट इंटेस्टाइन के लिए। ये आपकी त्वचा के लिए मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देखता है अगर आप इसको लगाते हैं दही को तो आपकी स्किन के ऊपर। ये सनबर्न्स जो होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो दही वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये आपके स्ट्रेस मतलब तनाव को भी कम करता है और उसके लिए भी बहुत मददगार होता है। ये भूख बढ़ाने में भी बहुत काम आता है, तो भूख जिन्हें कम लगती है वो दही ले सकते हैं। अगर आपको डायरिया है तो ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है, तो वहां पर भी आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। दही खाने के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट फैक्ट इज गाय के दूध का दही भैंस के दूध के दही से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, काउज मिल्क दही, क्योंकि भैंस के दूध में ज्यादा फैट होता है, प्रोटीन होता है और इसीलिए उन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग हैं और छोटे बच्चे उनको। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा कहता है कि गाय के दूध से दही बनाया जाए और दही का प्रेरित करा जाए, ना कि भैंस के दूध का। आपको हमेशा ताज़ा दही खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रखा हुआ दही खाएं। फैक्ट नंबर टू,
फैक्ट नंबर 3, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को दही खा सकते हैं, वो बिल्कुल ले सकते हैं। फैक्ट 4, दही में बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए कमजोर और बीमार लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उससे उन्हें फायदा होगा, सो उनके लिए बेनिफिशियल है। फैक्ट 5, जिन बीमार लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए दही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उनके लिए विटामिन के पाया जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग भी कम करता है, तो दही आपके लिए बेनिफिशियल है। आयुर्वेदाचार्य के अनुसार आप कभी भी दही को इन चीज़ों के साथ जो मैं बताने वाला हूँ उनके साथ ना लें। दही को कभी भी उड़द दाल के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका बीपी बढ़ा देता है और इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दही में कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं जो सभी बैक्टीरियाज होते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, तो आप नमक ना डालें दही में। दही को मछली के साथ यानी कि फिश के साथ नहीं खाना चाहिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको डायरिया, ब्लोटिंग, गैस या फिर सभी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो दही को फिश के साथ ना लें। कभी भी दूध और दही साथ में नहीं लेना चाहिए, यह आपकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। कभी भी आप आलू पराठा, जो कि इंडियन डिश है, अगर आप आलू पराठा खाते हैं और साथ में दही खाते हैं तो ये आप ना करें, बिकॉज उससे वजन बढ़ सकता है और आलू पराठा और दही का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो आप वो ना लें। कभी भी तरबूज यानी कि वाटरमेलन के साथ में दही को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो शरीर में सूजन बढ़ा देगा, स्वेलिंग आ जाएगी आपको, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। कभी भी इमली, नींबू हो गया, और इनको दही के साथ, खट्टी चीज़ों को दही के साथ नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो ये एसिडिटी आपकी बढ़ा देगा बॉडी में, सो इसका आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ में दही को ना लें, इससे आपका पेट खराब हो सकता है, सो जो भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसको प्लीज दही के साथ में अलग सेपरेट करके लें, वो बेनिफिशियल है। सो आयुर्वेदाचार्य के अनुसार दही को कभी भी इन चीज़ों के साथ आप ना लें। दही कभी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि 4-5 चम्मच ही लें आप केवल उसके, 50 ग्राम जितनी दही लें, क्योंकि ये आपको एसिडिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, हेयर फॉल होना, नज़रों का कमज़ोर होना, ये सब कर देगा, सो इसलिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में दही को ना खाएं। दही को कभी भी रात में ना खाएं, नहीं तो ये आपका कफ एंड कोल्ड और एलर्जीज बढ़ा देगा अलग अलग, सो इसकी वजह से आप रात में ना कंज्यूम करें, को सुबह करें। कभी भी दही, खट्टी दही नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो शरीर में आपके सूजन हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, हड्डियों के रोग हो सकते हैं और इन सबको ये बढ़ा देगा, सो खट्टी दही ना लें आप। अगर आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं, सो आपको ये परेशानी हो सकती है, तो आप बिल्कुल ना खाएं उस वजह से दही को। बरसात में और ठंड में दही का सेवन ना करें, बिल्कुल आप बंद कर दें उसको, क्योंकि ठंड के मौसमों में दही को नहीं खाना चाहिए। अगर आप ट्यूमर्स, सिस्ट या आपको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो दही का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें, तो दही बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। अगर आपको आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द है और उससे आपको परेशानी होती है तो प्लीज़ दही का सेवन ना करें, वहाँ पर भी अगर आपको दिक्कत है तो आपको दही नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेदाचार्य के अनुसार अगर आप दही से अच्छे परिणाम चाहते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो दही को कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि सिर्फ 4-5 चम्मच आपको खाने चाहिए। दही को हमेशा खाली पेट खाना चाहिए, नाश्ते से सुबह, नाश्ते से पहले आप खा लें वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, सो नाश्ते से पहले आप दही को खाएं, बाद में ना कंज्यूम करें उसको। दही को गर्मियों में दही में शक्कर या गुड़ या शहद आप मिलाकर ले सकते हैं, जो कि आपके लॉन्ग इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उससे बड़ी बात यह आपके स्पर्म्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आप वैसे उसको यूज़ करें। ठंड के मौसम में दही में थोड़ी सी आप काली मिर्च, मेथी दाना या जीरा सौंठ का पाउडर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखें दही में कभी भी नमक ना मिलाएं आप, क्योंकि नमक से उसके अच्छे बैक्टीरिया सब मर जाते हैं, तो आप नमक ना मिलाएं, लेकिन आप काली मिर्च ज़रूर मिला सकते हैं।
सो गाइस ये था दही के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आयुर्वेद के अनुसार मैंने आपको बताए गए हैं। सारी बातें आयुर्वेद आचार्य के अनुसार आयुर्वेद में जो लिखी गई है उसके हिसाब से मैंने आपको बताई है। सो आप इन सब चीज़ों के हिसाब से आप बिल्कुल दही को यूज़ करें, दही को खाएं, कंज्यूम करें या लगाएं, आपके ऊपर है। बस इन सब बातों का आप ध्यान रखें। सो गाइज आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई post a video. So guys, this is Varun Lilani signing off.